हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्जेस सऊदीया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं MG नर्सरी पर। यहाँ पर सभी प्रकार के पौधे मिलते हैं और सभी प्रकार के पौधों की सेल होती है। ये काफ़ी अच्छे देखिए पौधे रखे हुए हैं इन्होंने सब। तो हम निकल के जा रहे थे, हमने सोचा कि आज इस नर्सरी की वीडियो बनाई जाए। तो आज इस नर्सरी पर हम आ गए हैं और देखते हैं अगर कोई यहाँ पर मिलता है तो उससे हम जानकारी लेते हैं कि भाई किस किस तरह के पौधे हैं ये और क्या क्या नाम है इनका, कैसे कैसे फूल आते हैं सभी कुछ। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अंदर जाते हैं और देखते हैं कौन भैया हैं। तो भैया हम इनसे जानकारी लेते हैं भैया से कि कौन कौन से पौधे कैसे कैसे हैं। भैया नमस्कार, क्या हाल है? आपकी नर्सरी में आए हैं, थोड़ा सा वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो बताएंगे थोड़े किस किस चीज़ के पौधे हैं, कैसे कैसे फूल हैं, इन पे क्या क्या रेट हैं। अभी जो अपने पास में सीजनल है जो सर्दियों के सारे पौधे मिल जाएंगे, जैसे कि सालविया है, एलाइसम है, इधर पिटोनिया मिल जाएगा, डेंथस की काफ़ी डेंथस मिल जाएगा, सालविया है और ये डहलिया है। डहलिया मिल जाएगा आपको अच्छी बर्ड्स पे ना। तो भैया इन पर किस तरह के फूल आते हैं? डहलिया पे अच्छे बड़े साइज के फूल आता है और सीजनल प्लांट है जी। बाकी और भी वैरायटी है, मुझे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इन पर अलग अलग फूल रहते हैं सबके? हाँ, ये वाला तो एक बार मैंने भी अपने घर पे लगाया हुआ ले जा। ये सीजनल होता है और उससे लेकर फिर तक भर वगैरह काफ़ी सारी वैरायटी है। इंडोर आउटडोर आपका मुझे तो इतना खैर जानकारी भी नहीं, हर पौधे का नाम नहीं पता, ये तो यही बताएंगे भैया ही। ये बताओ थोड़ा सा इन पौधों के बारे में किसके लिए, क्योंकि हमें तो इतनी जानकारी नहीं ये किस चीज़ का है। ये है पेंडानास। पेंडानास तो ये इसका भैया फूल वूल थोड़ी आता है? ऐसे लीफ रहेगी और आउटडोर पौधा है ये। आउटडोर पौधा बाहर लगाने के काम का है। और ये मोर पंखी है ना? मोर पंखी है, मोर पंखी बोलते हैं। हाँ, घर में रखने से थोड़ा अच्छा मानता है। अच्छा अच्छा और ये वाला क्या बोलते हैं इनको? ये फ्लेडेंडोन है, गोल्डन फ्लेडेंडोन। गोल्डन फ्लेडेंडोन ये कितने का पौधा होता है? ये वाला है 350 का और ये अच्छा बड़े साइज का पौधा है। ये तो ये तो बड़े गमले में लगाया जाता है, इसी में हो जाता है। कैसे भी लगा लिया देखो, गमलों की भी वैरायटी बहुत है। ये गमले आपके अपने बने हुए हैं ना? ये तो प्लास्टिक के भी आते हैं। हाँ, प्लास्टिक के भी काफ़ी गमले लगाए हुए हैं भैया ने जो यहाँ पे ये सेल करते हैं। और देखो मिट्टी के भी गमले हैं जिन पर अपना रंग रोगन करके तैयार करके रखते हैं। मतलब अच्छे सुंदर नर्सरी है, मैं भी यहाँ से काफ़ी पौधे बहुत बार ले जा चुका हूँ और काफ़ी अच्छा है। तो भैया एक बार आए, भैया को सेवा का मौका दें। ये जो है रंगोली विवाह मंडप के सामने शास्त्री नगर में नर्सरी पड़ती है, काफ़ी अच्छी रेंज है। ये भैया दिखा दिए जो अब मैं गमलों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। देखो पत्थर के भी गमले हैं, प्लास्टिक के भी हैं, काफ़ी अच्छे और रीजनेबल रेट हैं इनके, रेट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो भैया से हम मिलते रहेंगे, अपना जो इनके यहाँ पे जो भी नया पौधा है वैरायटी बहुत लंबी है, क्योंकि सभी पौधों का तो नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं है। भैया वो वाला कब आएगा पौधा? कौन सा? जो मैं पूछा था अच्छा मार्च में। गाइस कैसी लगे हमारी नर्सरी, तो हमारी वीडियो को थोड़ा लाइक करना। आज हमने सोचा कि आज पौधों के बारे में बातचीत कर ली जाए। ये देखिए कितने बढ़िया लकड़ी के स्टैंड हैं, स्टैंड काफ़ी बढ़िया है। ये 6-7 गमले एक साथ रख सकते हैं अपना और
छोटी पौध भी है, छोटी पौध है, बड़े पौधे हैं, सभी तरह के। तो भैया अभी तो हम यहाँ पे एक पौधा खरीदने आए थे, तो हमने भी भैया से जानकारी से ली है, लेकिन अभी हम दोबारा आएंगे तो एक प्रॉपर तरीके से सभी पौधों की वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो हमने इनसे थोड़ा सा जानकारी ली कि भाई कौन सा पौधा क्या है, तो ये कह रहे किसी दिन आराम से आना फुर्सत से, तब आपको सभी पौधों की जानकारी दी जाएगी और डिटेल में अपना जो सही तरह से वीडियो बनाई जाएगी। तो ठीक है, तो गाइस देखना कि हमारी कैसी लगी वीडियो। भैया आज हम आए हैं, ये बहुत ही अच्छा पार्क है, सुंदर पार्क। ये देखिए कि थोड़ा सा धूप खाने का मन था, तो मार्केट का काम निपटा के हमने सोचा कि चलो कहीं पार्क में बैठ लिया जाए, तो यहाँ पे पार्क में आए हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा पार्क है, अब तो इसकी थोड़ी सी घास काट दी गई है, सूख गई है, वरना बहुत ही बरसात के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली हो जाती है। देखिए काफ़ी अच्छा, और झूले भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए बच्चों के लिए, अपना धूप में लोग बाग बैठे रहते हैं यहाँ पे। आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे वगैरह अभी स्कूल से नहीं आए होंगे तो इस वजह से नहीं, वरना तो यहाँ काफ़ी बच्चे छोटे छोटे खेलते रहते हैं। ये देखिए बैठने के लिए भी चेयर काफ़ी अच्छी लगाई हुई है यहाँ पे, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिटिंग के लिए आपने बैठे रहो, धूप खाते रहो, और इधर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा लेकिन झूले भी लगे हुए हैं काफ़ी। दोस्तों पार्क में बैठो, बस पार्क को सफा रखो, गंदगी मत करो, पार्क में कूड़ा मत फैलाओ, मैं तो यही कहूँगा। और आराम से धूप में बैठो, बच्चों का भी ध्यान रखो कि भाई झूले पर चढ़ते हुए कोई बच्चा गिर ना जाए, चोट वोट ना लगे। तो कैसा लगा भैया ये पार्क का व्यू, मैं आपको फ्रंट के कैमरे से दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, झूले भी काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए झूले लगे हुए हैं, बच्चों के लिए। तो भैया कैसा लगा ये पार्क? यहाँ पे जो है सभी घरों के मतलब जो एरिया है यहाँ पे पार्क बहुत ज़्यादा है, पार्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, हर सोसाइटी में हर कॉलोनी में एक पार्क जरूर मिलेगा यहाँ पे, बच्चों के लिए बड़ों के लिए आराम से घूमने के लिए, बड़े बूढ़े शाम के टाइम टहलते रहते हैं। ठीक है गाइस, और दिखाते हैं फिर कहीं और जाएंगे तो। गाइस मैं आ गया हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ, छोटी के यहाँ पे, वो काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं अपना काम निपटा कर आज इधर ही उतर गया रास्ते में, तो उनके घर पे आ गया, बनकर मिलते चले। तो अभी सिस्टर साहब कहीं गई हुई हैं, तो देखता हूँ मैं उनका इंतज़ार कर लेता हूँ, क्योंकि फिर हमें भांजी को ट्यूशन से लेके आना है और अपनी बिटिया को भी लाना है, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही साथ ट्यूशन पढ़ते हैं, एक ही जगह एक ही टीचर के पास जो है जाते हैं वो पढ़ने के लिए। तो क्योंकि ठंड का बहुत थोड़ा सा माहौल हो रहा है, 6 बजे से ही अंधेरा हो जाता है और ट्यूशन भी उनका काफ़ी दूर पड़ता है, तो अब मैं समय से आ गया हूँ तो मैंने सोचा मैं ही ले आता हूँ, वरना वैसे तो वो अपना रिक्शे से या ऑटो से आ जाते हैं। गुड इवनिंग गाइस, आज जो भी कुछ हमने आपको सुबह से लेकर अब तक अपने ब्लॉग में दिखाया उसको लाइक करना, कमेंट करना और देख के बताना कि कैसा लगा। ये हमारी भांजी है अर्चिता, और ये ट्यूशन से आ रही है तो रास्ते में मिल गई है। तो गाइस हम भी अपने ब्लॉग को
समाप्त करते हैं, बिटिया का इंतजार कर रहे हैं, बिटिया आने वाली है, फिर इन दोनों को लेके अपने घर निकलेंगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं कल अपने नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।